नमस्कार आदाब, सत श्रीकाल दोस्तों, मेरा नाम है सियादत जोशी और मैं आ चुका हूँ एक और ज़बरदस्त राइटिंग सेशन आपके लिए लेकर। जो नवंबर आरटीपी का हमने एक सिलसिला शुरू किया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने शुरू किया था, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, उसी को मैं आगे और कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ। और आज हो सके तो मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर लेकर ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा मिशन सक्सेस बैच ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो। मिशन सक्सेस बैच में मैंने पूरा का पूरा BCR एकदम शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में पढ़ाया है और इसको लिख कर भी दिखाया है। बहुत अमेजिंग सेशन रहता है ये, प्लीज़ इसको फॉलो करो। मेरा नाम है सियादत जोशी, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड प्रोफेसर बाय पैशन। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ऑल्सो प्लस कंसिडर करिए, इसमें आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो प्लस के अलावा आपको पर्सनलाइज गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है और सी आदर्श इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आइकॉनिक में आपके पास 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ये सारे ऑप्शन है एंड सी आदर्श इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। चलिए अब दोस्तों हम लोग चल जाते हैं हमारे RTP नवंबर 21 पे। यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 ये केस है, लिखा है मिस्टर राम लाल बिरला वॉज अ बिग बिजनेसमैन ऑफ सिटी पुणे, वाओ, हैविंग टू सन्स एंड वन मैरिड डॉटर। ओके, ही डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज वन हाउस टू हिज डॉटर। फॉर दिस पर्पज ही कॉल्ड हिज लॉयर एट हिज हाउस एंड मेड अ रिटर्न डॉक्यूमेंट फॉर सच गिफ्ट। ओके, द लॉयर एडवाइज्ड हिम टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड। When they both were going for registration of document, they met with an accident and both of them died. Later, his daughter found a document and claimed the house on the basis of that document. Okay. Explain whether she can get the house as gift under Indian Contract Act 1872. बहुत ही यूनिक क्वेश्चन आजकल ICAI लेकर आता है और मुझे ना बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे इसमें पॉइंट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था। सबसे पहले तो मुझे रियलाइज हुआ कि गिफ्ट है, तो गिफ्ट देखते ही मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर सोचते हैं तो देर इज नो कंसिडरेशन, राइट। बट क्योंकि ये गिफ्ट बोला है इसने तो मैंने कहा ठीक है गिफ्ट है तो गिफ्ट अलाउड है। दूसरी बात यहाँ पर ऐसी हो गई कि ये पिता और उसके बेटी के बीच का यहाँ पर ट्रांजैक्शन है, तो ये नेचुरल लव और अफेक्शन में आ सकता है। करेक्ट, नेचुरल लव और अफेक्शन में आ सकता है, लेकिन नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो कि सेक्शन 25 के एक्सेप्शन में दिया हुआ है उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो नेचुरल लॉ एंड अफेक्शन में जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो एक नियर पार्टी के पार्टीज हैविंग नियर रिलेशन विद ईच अदर उनके बीच में होना चाहिए, है ना। और उसके अलावा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए और आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन में होना चाहिए और नियर पार्टीज के भी। तो ये सारा रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद आप उसको वैलिड कह सकते हो, एनफोर्सेबल कह सकते हो और फिर आप उसको मतलब क्लेम कर सकते हो। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हुआ और रजिस्टर नहीं हुआ तो वो एक्सेप्शन में बैठेगा नहीं, और अगर एक्सेप्शन में बैठेगा नहीं तो मेन लॉ अप्लाई हो जाएगा। मेन लॉ कहता है नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट एनफोर्सेबल एंड हेंस वॉइड। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे। आंसर लिखने के लिए मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ हमारा सिस्टम, लिखते हैं ना वन नोट। ओके, हियर वी गो। बाकी आप अज्यूम कर लेना कि मैंने सारे ड्रॉ किए हैं, आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो ड्रॉ करना। आप लोग चाहे तो ड्रॉ करो या मतलब जैसे भी आपके हिसाब से। डन। ओके, इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट। हेलो हेलो, हाँ हो रहा है ना। ओके, मुझे दिख नहीं रहा था इसलिए मैं सोचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। बाय द वे सेक्शन नंबर्स लिखना मैंडेटरी नहीं है, अगर आप सेक्शन नंबर नहीं लिख पा रहे हो कोई बात नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है।
है। ओके ठीक है। अभी फैक्ट ऑफ द केस, हमारे केस में मिस्टर रामलाल वॉज अ बिजनेसमैन पुणे। मिस्टर रामलाल रोट अ गिफ्ट एग्रीमेंट फॉर गिफ्ट फॉर हर फॉर हिज डॉटर विच वॉज रिटन बट नॉट रजिस्टर्ड। मिस्टर रामलाल ना, क्या था, रामलाल बिरला। अरे मेड एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर बट कुड नॉट गेट इट रजिस्टर्ड अंडर लॉ। फिर आएगा एनालिसिस एज द एग्रीमेंट वॉज नेवर डॉटर का नाम बताया गया।
डॉटर विल नॉट गेट अ हाउस एज अ गिफ्ट, तो इतना मैंने आंसर लिखा है। ठीक है, आप इसमें कुछ कुछ पॉइंट कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 25 एंड नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड इनफ, लेट्स चेक द आंसर। सेक्शन 25 प्रोवाइड्स दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन वैलिड एक्स, ओके यही बोला इन्होंने भी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन बोला, बट नॉट रजिस्टर्ड, हेंस द ट्रांसफर इज नॉट एनफोर्सेबल एंड डॉटर कैन नॉट गेट द हाउस। वेरी गुड, हमने भी यही बोला, बस हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग था, हमने प्रोविजन लिखा, फैक्ट लिखा, एनालिसिस लिखा और कंक्लूजन लिखा। आई थिंक हम लोग सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है, पी क्यू आर अ हॉस्पिटल इन दिल्ली रिक्रूट्स मिस्टर डी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डॉक्टर डी, ओके सॉरी, पी क्यू आर अ हॉस्पिटल इन दिल्ली रिक्रूट्स डॉक्टर ए ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, द हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोमिसेस टू पे डॉक्टर ए लमसम अमाउंट ऑफ 1 लाख इफ डॉक्टर ए टेस्ट पॉजिटिव फॉर नोवेल कोरोना वायरस। अरे ऐसे क्वेश्चन आ सकते भाई, इसको स्टार कर लो, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 3 मंथ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हाईलाइट द रूल ऑफ एनफोर्समेंट, ऑल्सो वॉट विल हैपन इफ मिस्टर डॉक्टर डी डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट COVID-19, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन वॉट सेंस, मतलब एग्जीक्यूशन के सेंस में बोल रहे हैं या वैलिड या वॉइड के सेंस में बोल रहे हैं या नॉर्मल बोल रहे, मतलब क्या बोल रहे हैं। पी क्यू आर इज एन हॉस्पिटल इन दिल्ली रिक्रूट डॉक्टर डी ए फॉर 3 मंथ्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोलता है कि आपको हम लमसम 1 लाख देंगे अगर आप पॉजिटिव हो गए कोविड पॉजिटिव ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ओ अच्छा, ओके ओके, तो आपने उनको 3 महीने के लिए अपने अपने पास उनको काम पे रखा है, लेकिन कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स डर रहे, तो आपने उनका डर हटाने के लिए आपने उनको बोला कि डरो मत, आप हमारे यहाँ काम करो, अगर आपको कोविड हो जाता तो हम 1 लाख रुपए लमसम आपको दे देंगे। ओ ओके, तो ये तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सीधी बात है ना, मतलब मैं आपको हायर कर रहा हूँ, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ कि डरो मत, अगर आपको कोविड हो जाता है तो मैं आपको लमसम 1 लाख रुपए दूंगा अगर ये 3 महीने के पीरियड में आपको कोविड हो जाता है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, हाईलाइट द रूल ऑफ एनफोर्समेंट, यस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स, ये हैपनिंग ऑफ द इवेंट पे डिपेंडेंट है विद इन टाइम। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लमसम अमाउंट ऑफ 1 लाख कब देंगे, अगर आपको इफ इफ यू कॉन्ट्रैक्ट कोरोना वायरस ड्यूरिंग 3 मंथ्स, तो दिस इज अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। ठीक है, हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, ऑल्सो वॉट विल हैपन इफ ए डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट कोविड, इफ यू डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट कोविड द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, ये सेक्शन नंबर 31 की बात कर रहा है, तो सेक्शन नंबर 31 में हम उसको पहले कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सेक्शन 35 के पास लेकर जाएंगे। सेक्शन 35 के अंदर हम लोग उसको बोलेंगे दैट इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। रेडी? चलिए ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट राइटिंग कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, अब बताओ डेफिनेशन, ये आपको पूरा याद होना चाहिए।
कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। पुलक और मुला डिफाइन्स कोलैटरल इवेंट एज एन इवेंट कोलैटरल इवेंट्स आर इवेंट्स विच आर नाइदर द पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस प्रॉमिस एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ये हो गए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल इवेंट। फिर ये मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने आपको सेकेंड एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिसपे क्वेश्चन पूछा है। अब मैं इनफोर्सेबिलिटी की बात करता हूं। इनफोर्सेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है।
क्या क्वेश्चन पूछा था? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, हाईलाइट द रूल ऑफ एनफोर्समेंट। और क्या पूछा? व्हाट विल हैपन इफ डॉक्टर ए डज नॉट कॉन्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सिंपल एज दैट। आपने यहाँ पे सेक्शन 31 बता दिया, उलक मुला का बता दिया, 35 बता दिया, फैक्ट बताया, एनालिसिस बताया, कॉन्क्लूजन बता दिया। बड़ा था ये आंसर, इन्होंने पक्का छोटा सा आंसर लिखा रहेगा। 31, 35 तो करेक्ट है। ओके, ये अपन ने भी लिखा है। करेक्ट, ओके, ये हमने पूरा ही लिखा हम लोगों ने। करेक्ट, ये क्वेश्चन, अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बहुत दिनों बाद अपने को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन इज वॉइड। ओहो, एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन इज वॉइड। चलिए, अभी सबसे पहले मुझे बताइए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है सर? ये पहले तो सेक्शन नंबर 10 में इसेंशियल्स में बोला गया है दैट एन एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट शुड बी सर्टन, इफ द मीनिंग इज नॉट सर्टन द एग्रीमेंट बिलीव वॉइड। लेकिन जब मैंने अदर इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा, उसके अंदर भी इस चीज के ऊपर बहुत डिस्क्रिप्शन दिया था कि भाई अगर एग्रीमेंट है और उसका मीनिंग ही सर्टन नहीं है ना, देन द एग्रीमेंट विल बी वॉइड। इसके लिए एंटायर सेक्शन था सेक्शन नंबर 29, जिसके अंदर लिखा था एग्रीमेंट विथ अनसर्टन मीनिंग। तो चलो उसके बारे में लिखते हैं और यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने, डिस्कस करने बोला, तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब डिस्कशन की, अब इसमें मेरे को एनालिसिस प्रोविजन ऐसा सब कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं? एग्जाम्पल भी देख सकता हूँ मैं आपको, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट इज कैपेबल ऑफ यू नो डिराइविंग अ सर्टेन मीनिंग, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ये भी मैं आपको एडिशनली बता दूंगा। हाउएवर, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कैपेबल of being made certain with reasonable diligence, then the contract will be valid. Example ले लेते हैं। मिस्टर ए ऑफर्स टू बाय
ऑयल फ्रॉम मिस्टर बी. मिस्टर ए ऑफर्स टू बाय ऑयल फ्रॉम मिस्टर बी. ये ऐसा नहीं. मिस्टर ए ऑफर्स टू बाय 10 लीटर ऑयल फ्रॉम मिस्टर बी. हियर इट इज नॉट मेड क्लियर इन द कॉन्ट्रैक्ट विच ऑयल इज गेटिंग ट्रांसफर्ड. इट कैन बी कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल etc. However, if Mr. B only deals in coconut oil, then this will be a वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अदरवाइज इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. अब इससे ज्यादा तो क्या लिखे. एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ इज अनसर्टन. दैट्स इट आई गेस. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. हाँ एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन इज वॉइड बट वेर द मीनिंग इज देयर कैपेबल ऑफ बींग मेड सर्टन वैलिड. अरे परफेक्ट सेम आंसर आ गया अपना. सेम आंसर आ गया अपना. जबरदस्त. वॉट एल्स डू वी नीड. पहली बार इतना लिख रहा हूँ पता है क्या मैं तुम लोग के लिए. पहली बार. चलो नेक्स्ट. हो रहा है ना रिकॉर्ड. अरे बहुत यार भाई तुमको क्या बोलूँ. एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का मेरा रिकॉर्डिंग डूब गया पता है. ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ. एक डेढ़ घंटे का रिकॉर्डिंग. मेरी हालत ऐसे ख़राब हो रही है रिकॉर्ड कर करके. और उतना दुख हुआ ना भाई. ये सेल ऑफ गुड्स सेक्टर पार्टनरशिप हम लोग बाद में करेंगे. एलएलपी और कंपनीज हमारा हो गया तो एलएलपी और कंपनी का कर लेते हैं. ए एंड बी वर फ्रेंड्स. नाउ दे हैव प्लान्स ऑफ सेटिंग अप सुपर मार्केट इन देयर लोकेलिटी. दे आर कन्फ्यूज एज टू वेदर टू रजिस्टर एज अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और एज अ लिमिटेड लाइब्रेरी पार्टनरशिप. एज एन एडवाइजर एन्यूमरेट द डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हाईलाइटिंग द कंप्लायंसेज एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज. अच्छा फालतू अपने को कंटेक्स्ट दिया है. बेसिकली उनको क्या है डिफरेंस चाहिए बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप. ये हुई ना बात. सभी टाइप के क्वेश्चन आ जा रहे हैं आज तो मजा आ गया. क्वेश्चन नंबर 70. अब इसका भी प्रेजेंटेशन देख लो. अगर आपको डिफरेंस बिटवीन आता है तो उसका प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे. ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोनों तरफ आपके मार्जिन तो रहेगा. दोनों तरफ आपके मार्जिन तो रहेगा. दो मिनट. ठीक है दोनों तरफ मार्जिन तो रहेगा ही. साथ में आप लोगों को एक एडिशनल चीज़ करनी है. यहाँ पर एक लाइन आपको मारनी है. ये बेसिस ऑफ ओपिनियन का रहेगा. ये जो लाइन हम लोग खींच रहे ना ये बेसिस ऑफ ओपिनियन की लाइन रहने वाली है.
आएगा, रुक जाओ, ठीक है। और यहां भी एक लाइन आएगी बीच में, ये थोड़ा इक्वल लेना, जिसमें एक्चुअल डिफरेंसेस हम लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 70, बेसिस ऑफ ओपिनियन और पार्टनरशिप और LLP। ठीक है, ठीक है। तो मैं नीचे सिर्फ LLP करूंगा और इसको PF करूंगा। ऊपर ही बता दिया कि भाई नीचे मैं ये सब कर सकता हूँ, तो तैयार रहना। सबसे पहले डेफिनेशन या मीनिंग, इट्स अ पार्टनरशिप इज एन रिलेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स हू एग्री टू वर्क टुगेदर ऑन सम प्रॉफिट। LLP वही है ना, LLP इज अल्टरनेटिव कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकल विथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड सेफ्टी या सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सिक्योरिटी भी नहीं, बेनिफिट्स। ऑफ अ कंपनी, ठीक है। गवर्न्ड बाय लिमिटेड, अरे ये ना पार्टनरशिप है, ठीक है। मेंबर्स, या एक काम करते हैं, दोनों पार्टनर हैं तो पार्टनर्स कर देते हैं। मेरे को रैंडमली जो याद आ रहा है मैं लिख रहा हूँ भाई, आप लोग देख लो, कुछ छूट गया तो।
मिनिमम टू, मैक्सिमम 50 एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ मिनिमम टू पार्टनर्स, एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर, नो सच कंसेप्ट। यहाँ पे मिनिमम टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया। और क्या है भाई, और कैरेक्टरिस्टिक्स में था ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स में अफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इफ नो कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स इन डीड। LLP हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, hence death, insolvency does not affect LLP। liability की भी बात कर लेते हैं, because ये important बात है। every partner
इज लायबल जॉइंटली एंड सेवेरली एंड हैज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे पार्टनर लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू अमाउंट एग्रीड। हाउएवर एलएलपी इज लायबल टू फुल एक्सटेंट। यहाँ पे ना पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आ जाती। फिर म्यूचुअल एजेंसी की बात कर लेते हैं। म्यूचुअल एजेंसी एवरी पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर। म्यूचुअली पार्टनर एलएलपी इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर बट नॉट द अदर पार्टनर्स। और क्या था? हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट। पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ओके। नेम पार्टनरशिप फॉर्म कैन हैव एनी नेम एंड नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। एलएलपी कैन एलएलपी के पास हैव टू रिजर्व अ यूनिक नेम। एलएलपी नीड्स टू हैव अ यूनिक नेम एंड हैज टू यूज एलएलपी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एट द एंड ऑफ द एंड एंड ऑफ इट्स नेम। ओके। पार्टनरशिप फॉर्म को सारी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको कोई ऐसे एंड एसोसिएट्स वगैरह लगाते हैं वो, बट ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म को ये लगाना पड़ेगा। कर देते हैं। कॉमन सील की भी बात की थी। नो सच कंसेप्ट ऑप्शनल। हैव अ कॉमन सिल। बहुत लिख दिया अभी। और क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर लिख सकते हैं दैट नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। यहाँ पे फॉलो एक्ट एंड यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये एक और पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि हु कैन बिकम अ पार्टनर में लिख सकते हैं इवन कि फॉरेन इंडिविजुअल कैन नॉट बिकम पार्टनर। एंड लिखते इवन फॉरेन एलएलपी कैन बी अ पार्टनर।
फॉरेन कंपनी भी पार्टनर रह सकती है ना, ये सारे भी पार्टनर रह सकते हैं। माइनर के बारे में एक और पॉइंट है, कैन बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट, यहाँ पे कैन नॉट बी एडमिटेड। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, लाइबिलिटी हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोल सकते हैं आप इसको, नॉट एनी कंसेप्ट लाइक दिस बट इट्स एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, करेक्ट। दिस आर ऑल द पॉइंट्स, आई कैन मे बी और होंगे, लेट्स चेक द आंसर, अभी मैं तो थक गया लिखते लिखते, कितने पॉइंट्स थे यार। ये लिखा हमने, ये भी लिखा हमने, ये भी लिखा, मैंने बताया कि नॉट मैंडेटरी और मैंडेटरी बताया मैंने, ये पॉइंट आप ज़्यादा अच्छे से लिख सकते थे अपने इसमें ऐड कर देना, ये लिखा, ये लिखा, ये भी लिखा, बहुत पॉइंट है बे, ये एक अच्छा पॉइंट है, अपन भूल गए, ये एक पॉइंट एक और भूल गए कि लीगल कंप्लायंसेस के लिए यहाँ पर सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे लायबल होते हैं, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ना, यहाँ पे ऑल द पार्टनर्स आर लायबल फॉर कंप्लायंस, ये एक पॉइंट और ऐड कर देना, कंप्लायंस के लिए पार्टनरशिप में ऑल द पार्टनर्स आर लायबल, वेर एज LLP में ओनली कौन लायबल होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लायबल होते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है, आप वो भी ऐड कर देना। एनुअल फाइलिंग मैंने ज़्यादा डिटेल में बताया, सॉस वगैरह बताया, एनुअल रिटर्न बताया, ये बताया, फॉरेन पार्टनरशिप भी मैंने बताया, फॉरेन नेशनल्स कैन बी ए पार्टनर इन LLP, माइनर के बारे में बताया, तो बाकी सारे पॉइंट्स है, एक दो पॉइंट हम लोग छोड़ दिए थे, वो एक दो पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, एक दो पॉइंट इसमें लिख सकते, बहुत बड़ा आंसर हो गया, मतलब बेसिकली है ना, काफी बड़ा आंसर हो गया। लेट मी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, LLP का भी हो गया, कंपनीज एक्ट, चलो LLP हो गया ना, अब कंपनीज एक्ट क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर ध्रुव वॉज अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय, जस्ट गिव मी वन सेकेंड गाइस, समवन इज कॉलिंग मी कंटिन्यूअसली,
आई एम सो सॉरी, सम बुक्स आर गेटिंग प्रिंटेड एंड ऑल. होता रहता है, बहुत सारे काम जब एक साथ चलते हो ना होता रहता है. सो दैट्स इट. लेट्स लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. मिस्टर ध्रुव वॉज अपॉइंटेड एज एन एम्प्लॉय इन सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड ऑन कंडीशन दैट इफ ही वॉज टू लीव द एम्प्लॉयमेंट ही विल नॉट सॉलिसिट कस्टमर्स ऑफ अ कंपनी. दैट इज लॉजिकल. आफ्टर सम टाइम ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी. ही सेटअप इज ओन बिजनेस अंडर द प्रोपराइटरशिप एंड अंडरकट सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड प्राइजेस ऑन द लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज लीगल कंसल्टेंट एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म्ड अ न्यू कंपनी अंडर द नेम ऑफ सेवन स्टार्स टिम्बर्स प्राइवेट लिमिटेड. इन दिस कंपनी हिज वाइफ एंड अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर ध्रुव वेर द सोल शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स. दे टुक ओवर ध्रुव्स बिजनेस एंड कंटिन्यूड इट. सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड फाइल्स अ सूट अगेंस्ट सेवन स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेवन स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड आर्ग्यूड that a contract was between Mr. Dhruv and Sunmoon Timber Private Limited. And as the company is a separate legal entity, Seven Star Timber Private Limited has not violated the terms of the agreement. Explain with reason whether separate legal entity between Mr. Dhruv and Seven Star Private Limited will be disregarded. एक नंबर क्वेश्चन है, मतलब मजा आ गया वाला क्वेश्चन है. अब जरा देखो ये कौन से इस पे क्वेश्चन पूछा गया है. ये क्वेश्चन पूछा गया है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पे. और इसके ऊपर सिमिलर केस मैंने आपको बताया था गिल्फर्ड मोटर वर्सेस हॉर्ने का. गिल्फर्ड मोटर से मिस्टर हॉर्ने को निकाला गया. उन्होंने अपने वाइफ के नाम से कंपनी ओपन की. काम वही करते थे बट अपने वाइफ के नाम से कंपनी ओपन की और सिमिलर बिजनेस करते थे, कंपीटिंग बिजनेस करते थे एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए. तो मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड बिकॉज ऑफ इलीगल पर्पजेस के लिए आपने कंपनी बनाई. हाँ, मैं डर गया था. मैं डर इसलिए गया था, यहाँ पे बोला था प्रोप्राइटरशिप. अब ये प्रोप्राइटरशिप पे तो कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता. कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करने की बात बनती नहीं थी. एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप इसके ऊपर कर सकते थे बट मैं सोचा यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूछो ना, फिर कंपनीज एक्ट में क्यों पूछा. पर जब उन्होंने बोला ना कि उन्होंने एक नया कंपनी बनाया सेवन स्टार, में बोला अब आएगा कॉर्पोरेट विल. तो भाई बताओ क्या होने वाला है. देखो भाई कॉर्पोरेट विल क्या है, एक्सप्लेन करेंगे. कॉर्पोरेट विल शील्ड करता है अपने मेंबर्स को उसकी लाइबिलिटी से. देर आर सर्टन एक्सेप्शंस और उसमें से एक एक्सेप्शन है कंपनी फॉर्म फॉर इलीगल और अनलॉफुल पर्पजेस. अगर इलीगल और अनलॉफुल पर्पजेस से कंपनी बनाई गई है, इलीगल और अनलॉफुल पर्पजेस के लिए अगर कंपनी बनाई गई है, ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आप कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देंगे और कंपनी के फाउंडर्स और कंपनी को एक मानेंगे. मतलब यू विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम बेसिकली. तो हैंस कॉर्पोरेट विल बी लिफ्टेड एंड मिस्टर क्या नाम है इनका, मिस्टर ध्रुव और सेवन स्टार टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड विल बी कंसिडर्ड एज वन एंड सेम एंटिटी एंड हैंस दे विल हैव मतलब उनको उसकी पेनल्टी लगी बिकॉज दे हैव वायलेटेड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. करेक्ट. चलिए फिर एक्सप्लेन करते हैं कॉर्पोरेट विल थियरी.
गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस ओके अपन ने भी यही बोला, आई थिंक दिस इज परफेक्ट करेक्ट सेम आंसर। माय गॉड 1 घंटे के ऊपर हो गया हम लोग लिख रहे हैं। कंपनीज एक्ट की कुछ और प्रॉब्लम मैं कर लेता हूँ। दो ही प्रॉब्लम बचे कर लेते हैं ना, खत्म कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर ऑफ 100 ईच। नरेंद्र मोदी लिमिटेड इज अ होल्डिंग 5,05,000 शेयर्स इन शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्ड द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। एडवाइस एज लीगल एडवाइस वेदर शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। एक मिनट, नरेंद्र मोटर्स प्राइवेट नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ इन 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। 10 लाख में से 5,05,000 आपके पास है। ओके 10 लाख में से 5,05,000 आपके पास है। ओके तो मतलब नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड बिकेम अ होल्डिंग कंपनी ऑफ शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, और नरेंद्र मोटर एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी डीम गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। करेक्ट। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम्ड द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सही है, बराबर है, बिकॉज वो शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल बी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। एडवाइज एज अ लीगल एडवाइज वेदर शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर द प्रोविजन ऑफ कम, यस ऑफ कोर्स इट इज, यस करेक्ट। चलो तो अभी इसमें स्टार्ट कहाँ से करें? सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर बात की है तो गवर्नमेंट कंपनी से ही बात शुरू करते हैं। ओके रेडी एवरीवन? सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच Not less than 51%। एक्चुअली यार आई थिंक कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या, बिकॉज में क्वेश्चन पूछे में तो बताया कि वो गवर्नमेंट कंपनी है, हमको सिर्फ इतना बताना है सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन ठीक है फिर गवर्नमेंट कंपनी एक्सप्लेन करेंगे तो ही तो सब्सिडरी होगा एक्सप्लेन होगा। ओके तो गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। इज हेल्ड बाय
सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट, ठीक है। ऑल्सो सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल बी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। दैट्स इट। सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल बी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी। इतना तो मैंने आपको बता दिया। इन द इंस्टेंट केस नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी होल्ड्स, अब मैं वर्ड में लिखता, 5,05,000 ऐसा बोला है, 5,05,000 शेयर्स आउट ऑफ 10 लाख शेयर्स विच इज मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, हेंस एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड बिकम्स होल्डिंग ऑफ कौन सा है कंपनी, टाटा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ऑफ शाह ऑटो लिख देना था यहाँ पे, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ऑफ शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड। कंक्लूजन, हेंस सब्सिडियरी of a government company is a deemed government company, therefore Shah Auto Private Limited will be deemed government company। समझ गए? बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर लिया। और ये सेक्शन 2 क्लॉज 45 ये हमने लिखा, हम्म,
सब्सिडरी कंपनी का भी लिखा हमने, आंसर चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है डन, आंसर अपना करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, मिस्टर ए इज एन इंडियन सिटीजन एंड ही स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज 115 दिन। अरे यार ओपीसी का रहेगा कुछ तो भी। ही अपॉइंट्स मिस्टर बी एज हिज नॉमिनी हु इज अ फॉरेन सिटीजन बट हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 130 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इज मिस्टर ए एलिजिबल टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ 1% कंपनी? इफ यस कैन ही बी नेम ऑफ कैन ही गिव द नेम ऑफ मिस्टर बी इन द मेमोरेंडम एज हिज नॉमिनी और बिकम अ मेंबर आफ्टर एज इनकैपेसिटी? If Mr. A has contravened any other provision of the Act, what are the consequences? अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ओपीसी पे। ओपीसी में एक अमेंडमेंट आया है जो पहले 182 डेज हुआ करता था, है ना, वो चेंज हो गया है 120 डेज पे। पहले हुआ करता था एनी पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन, एनी नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, पहले लिखा था एंड रेसिडेंट इंडिया, अब लिखा था वेदर रेसिडेंट इंडिया और नॉट, उसके ब्रैकेट में लिखा था ही शुड हैव स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी और शैल बी सिलेक्टेड एज अ नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। लेकिन हमारे केस में खुद मिस्टर ए ही कितने दिन रहे 115 दिन। अब क्योंकि आप 120 दिन नहीं रहे, यू विल नॉट बी अलाउड टू ओपन एन ओपीसी। रही बात दूसरी, मिस्टर बी को क्या नॉमिनी बनाया जा सकता है? तो दैट आंसर इज यस। पहले तो बताओ, पहले क्या है ना कि मिस्टर बी इज अ फॉरेन सिटीजन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये इंडियन सिटीजन नहीं है भाई। ये देखो क्या लिखा है, मिस्टर बी इज अ फॉरेन सिटीजन। फॉरेन सिटीजन को तो आप नॉमिनी भी नहीं बना सकते, भले वो इंडिया में क्यों नहीं रहा हो वो 120 दिन। वो फॉरेन सिटीजन है, हमको क्या चाहिए, इंडियन सिटीजन नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड वेदर और नॉट ही हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 120 डेज हम लोग देखेंगे। तो क्योंकि वो फॉरेन सिटीजन है तो मिस्टर बी को भी आप नॉमिनी नहीं बना सकते, तो ना ही मिस्टर ए ओपीसी बना सकता है, ना ही मिस्टर बी नॉमिनी रह सकता है। तो आई थिंक आंसर टू बोथ द क्वेश्चन इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मिस्टर ए हैज कॉन्ट्रावीन एनी प्रोविजन ऑफ दैट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज? अभी आपने कॉन्ट्रावीन क्या किया है, अभी आपने कॉन्ट्रावीन किया है ओपीसी के रूल्स। ओपीसी के रूल्स में आपको क्या सजा मिलती है? वो तो मेरे को भी देखना पड़ेगा। 10,000 रुपीज का सजा था और 1,00,000-5,00,000 था क्या, वो मैं देखता हूँ एक मिनट। 10,000 का था, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा सजा वजा पूछ लेंगे डायरेक्ट। मेरे हिसाब से 1,000 पर डे वाला इसमें था, 1,000 पर डे भी था 10,000 के अलावा। ये देखो, पनिशेबल विद अ फाइन विच मे बी एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज एंड अ फर्दर फाइन विच मे एक्सटेंड 1,000 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट। 10,000 रुपीज और 1,000 पर डे। आई एम सो सॉरी, मुझे याद नहीं था, आई होप कि आपको याद रहे। जो है वो है भाई, नहीं याद है, भगवान नहीं हूं मैं। ठीक है, 20th क्वेश्चन। तो अपन लोग स्टार्ट कर देते हैं।
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। इन द इंस्टेंट केस मिस्टर ए हैज स्टेड फॉर लेस देन 120 डेज इन इंडिया, हेंस ही वोंट बी अलाउड टू ओपन ओपीसी, ये पहला, और कब से? सेकंड, मिस्टर बी इज एन फॉरेन सिटीजन, hence in spite of staying in India for more than 120 days he is still not eligible to open an OPC और बी अ नॉमिनी ऑफ एनी ओपीसी। एंड थर्ड क्या पूछा था उसने, इफ मिस्टर एन कॉन्ट्रा, यस, तो मिस्टर ए हैज कॉन्ट्राविंड द प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड विल बी लायबल for a penalty of 10,000 rupees, पहले तो 10,000 rupees and 1,000 rupees per day after first till the contravention continues. And with this we have successfully done our last question for the day. ये पूरा लिखा अपन ने, नॉट एलिजिबल, फॉरेन सिटीजन, हेंस can not, yes, cannot be a nominee, a second 10,000 rupees, further fine 1,000 rupees per day after first. I think we have successfully done all the writing practice. अब देखो भाई, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ लिख रहा हूँ कि मैं स्क्रोल करते करते थक जाऊंगा, ये लिखना खत्म नहीं होगा. देखो कितना सारा लिखा है मैंने आपके लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इतना लिख रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा अपने आप से लिखिए. ये राइटिंग प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा. तो प्लीज़ डोंट फर्गेट कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद से करिए. जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा अपनी गलती आपको समझ में आएगी.
अगर आप ये राइटिंग सेशंस आपको अच्छे लगते हैं और आप और राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हम PYQ राइटिंग सेशंस लेकर आ रहे हैं 21 अक्टूबर से प्लस में। तो प्लीज़ प्लस परचेस करिए, प्लस परचेस करने के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। आइकॉनिक के ये ऊपर वाले बेनिफिट्स हैं और अगर आप प्लस परचेस करते हो तो प्लस के लिए आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ बाय प्लस, डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सिलेक्ट प्लस ऑप्शंस रहेंगे 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, सारे ऑप्शंस में सी आदर्श इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और यहाँ पर 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ऑप्शंस है, यहाँ पर भी सी आदर्श इज गोइंग टू गिव यू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। कॉम्बोज है, एडिशनल ये सारे बेनिफिट्स है आपके पास। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।